हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बिल्कुल बाहर, और ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारे साहस का प्रतीक कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी पहचान हमारा साहस है, और दूसरे बड़ी सबसे बड़ी पहचान ये हमारी साइकिल है, जो पहचाने जाते हैं और जिसके कारण मैं फिलहाल में हूँ। मेरा अस्तित्व है मेरा साहस और मेरी साइकिल, और सबसे बड़ा जो चीज़ नहीं भूलना चाहिए वो है भगवान का आशीर्वाद। तो दोस्तों, अभी हम छत्तीसगढ़ की विधानसभा के ठीक बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा लिखा हुआ है, और ठीक उसके नीचे अशोक चक्र बना हुआ है गोल। ऊपर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ विधानसभा, नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और उसके साथ साथ में जो धान की जो क्यारियाँ हैं वो लगी हुई है, बनी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और बहुत ही सुंदर यह राज्य है, बहुत ही सुंदर यहाँ की संस्कृति है, बट अगर उसको अच्छे रूप में प्रदर्शित किया जाए तो बेसिक सी बात है, न केवल छत्तीसगढ़ देश ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम कमा सकता है, अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। वो लोगों की इच्छा की शक्ति के ऊपर है कि प्रशासन किस रूप में कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं, हम आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा है, ये हमारा साइकिल है, और हम आपको पूरी पूरी भारत यात्रा करा रहे हैं। अशोक चक्र है, ठीक उसके सामने ही महात्मा गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है, अगर दिखाई दे जाए तो आसपास में, वो देखिए महाराज महात्मा गांधी जी का मूर्ति बनी हुई है, और उसके साथ साथ में आप दोस्तों किसी भी राज्य की पहचान वहाँ की संस्कृति होती है। संस्कृति को दर्शाता हुआ वहाँ का विधान, अर्थात विधानसभा का परिसर, विधानसभा जहाँ पर न्याय कानून बनता है, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से नियम कायदे बनाए जाते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए प्रशासन द्वारा कार्य किया जाता है। सब जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो बैठते हैं, और किस प्रकार से राज्य का विकास हो सके उस पर गहन अध्ययन किया जाता है। तो अभी हम देख पहुँचे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में। आप हमारे पीछे सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ देख रहे हैं, ये हमारी साइकिल है, और हमारी आन बान का प्रतीक तिरंगा साथ साथ में है। और छत्तीसगढ़ में और एक हमारे साथ में एक और अध्याय महत्वपूर्ण जुड़ गया है, क्योंकि हमें ग्लोबल अवार्ड मिल चुका है श्रेष्ठ साहसिक का, क्योंकि हमारे कार्य को पूरे विश्व ने सराहा है। हमारे न केवल देशवासियों ने बहुत प्रेम आदर और मान सम्मान मुझे दिया है, लाखों लोगों का प्रेम मेरे साथ में है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ में है। ऐसे ही अब हमारा और बड़ी उपलब्धि उसके साथ में जुड़ गई है, अब हमें विश्व स्तर पर लोग जानने लगे हैं, और हमारा जो नाम है विश्व स्तर तक फैल गया है, मुझे ग्लोबल अवार्ड मिला हुआ है। उसके लिए हम आपको अलग से ही वीडियो एक सुंदर सा बना के बताएंगे, लेकिन इतना हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे और आपके लिए, कि और एक बड़ी उपलब्धि हमें इस यात्रा के दौरान जुड़ गई है। तो दोस्तों, हम भारत यात्रा में बहुत सारे ऐसे प्रयास करेंगे जिससे किस न किस रूप में हम युवा पीढ़ी को, देश को, संस्कृति को कुछ न कुछ सकारात्मक दे पाए। तो बने रहिए अपने इस दोस्त के साथ में। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ विधानसभा, और ये उसका मुख्य द्वार, और ये साइड से लगा हुआ सुंदर सा छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते के साथ में। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, धान की कारिया और दोनों साइड से, और ऊपर फिर बड़े में लिखा हुआ हमारा आन बान शान का प्रतीक तिरंगा रहलाता हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में, और हमारी भारत यात्रा अब छत्तीसगढ़ में चल रही है, और बहुत कुछ हम जानकारी आपके साथ में साझा करने वाले हैं महत्वपूर्ण। और ये रहा अशोक स्तंभ, तीन हाथियों, चार हाथियों के साथ में, जो तीन है वो फ्रंट में दिखाई दे रहा है और एक बैक साइड में है, और उसके साथ साथ ये हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारी साइकिल, और हमारी आन बान का प्रतीक हमारा तिरंगा, और भगवान का आशीर्वाद। उसके ठीक सामने आप महालेखाकार का जो परिसर है, या कह सकते कार्यालय है, बहुत बड़ा बिल्डिंग, वो आप देख रहे होंगे, और भी कोशिश करेंगे कि हम आपको वीडियो में आगे उसके बारे में अच्छे से फोटो और वीडियो दिखाए। तो दोस्तों, हम पहुँचे हैं छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बहुत ही सुंदर आपको दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
सभी राज्यों की अपनी अपनी व्यवस्था अनुसार है। तो अभी आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा। तो आज हम आ चुके हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा में, जो कि हमारी भारत यात्रा साइकिल से चल रही है। और हमारा जो निरंतर प्रयास है आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक और अच्छा दिखाने का हमारे देश से संबंधित, वो लगातार जारी है। चूँकि हमारी भारत यात्रा में हम उत्तर प्रदेश तक पहुँच चुके थे, किंतु हमें अर्जेंट में मैसेज आया कि आपको ग्लोबल अवार्ड मिलने वाला है श्रेष्ठ साहसिक का। तो स्वाभाविक सी बात है, ये हमारे और आपके लिए गर्व की बात है। तो हम वापस छत्तीसगढ़ की ओर मुड़े और कल हमें ग्लोबल अवार्ड मिलने वाला है, उसकी भी हम पूरी एक सीरीज़ आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमें मैसेज आया, कौन सा लेटर आया, किस प्रकार से कहाँ ये आयोजन किया गया था और कहाँ पे कैसा किस प्रकार से हमें अवार्ड मिला। उसके पहले हम आपको छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अंदर का जो दृश्य है वो दिखा रहे हैं। ये हमारी छत्तीसगढ़, चूँकि मेरा जन्म छत्तीसगढ़ के ही दुर्ग में हुआ है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हूँ। एक समस्या ये थी कि आज रविवार है, और दूसरा ये कि उन्होंने ऐसा बताया कि भी प्रोटोकॉल है तो किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता। ठीक है, हमें अंदर ऐसे भी नहीं जाना है, क्योंकि हम स्वाभाविक सी बात है जब कार्रवाई चलती है तो ही अंदर का महत्व, बाकी अंदर का महत्व नहीं रहता। तो अभी हम विधानसभा के अंदर है, हमने उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी है, और तुमने कहा ठीक है बात करते, तुमने अपने सर से बात किया, उसके बाद उन्होंने हमें परमिशन दी। और अभी हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं बिल्कुल गेट के अंदर का दृश्य है ये, और यह विधानसभा है। चूँकि छत्तीसगढ़ आप मान सकते हैं इतना बड़ा राज्य भी नहीं है, किंतु संसाधन की दृष्टि से और महत्व की दृष्टि से बहुत ही वो है, कह सकते हैं परिपूर्ण राज्य है। नया नया निर्माण कार्य चालू है। तो हम आपको पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है रायपुर में स्थित है उसका एक सामान्य मुआयना करवा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। जय हिंद सर। जय हिंद सर, क्या सर थोड़ा बता। तो ये रही आपको छत्तीसगढ़ की विधानसभा। मोदी जी का लगा हुआ है, हालांकि छत्तीसगढ़ है, कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा उनको, ऐसे थोड़ी तुम नेग्लेक्ट कर दोगे। यही हुआ, हमने उनको यही कहा कि भाई आप हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों से दूर नहीं कर सकते, और मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं मेरे देश की जो व्यवस्थाएं हैं उसको आत्मसात करूं, और मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनको बताऊं मैं किस प्रकार से। सब तो आ नहीं सकते, बेसिक सी बात है, लेकिन मेरे माध्यम से सब लोग ये जान पाते हैं कि देश में किस प्रकार की व्यवस्थाएँ चलती है। इसके पूर्व हमने आपको महालेखाकार का कार्यालय दिखाया था, वो आप अभी देख सकते हैं वीडियो में। अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल छत्तीसगढ़ विधानसभा के फ्रंट गेट पे, सामने पे आप साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा। बहुत सुंदर तरीके से साफ सफाई चुकी हमारी है, कह सकते हैं कि प्रमुख व्यवस्थाओं के अनुरूप आता है, यहीं से हमारे लिए नियम कायदे बनते हैं उन राज्यों के लिए। महात्मा गांधी जी की मूर्ति और सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ के बिल्कुल सामने ये रहा छत्तीसगढ़ विधानसभा। तो सत्यमेव जयते के साथ साथ में हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में। हम साइकिल से हैं, चूँकि वीडियो बना रहे इस कारण से साइकिल नहीं दिख रहा है हमारा आपको, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा व्यू। तो दोस्तों ये पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में, और हम आपको हमारी साइकिल दिखाएंगे, और संभव हो तो हम अपना चेहरा भी दिखा देंगे आपको। इतना सुंदर चेहरा है हमारा और इतना अच्छा काम कर रहा है तो ये तो बनता ही है, बेसिक सी बात है। जो कोई कुछ नहीं करता वो अपना चेहरा ला के खड़ा करता है बार बार, और जब कोई इंसान अच्छा करता है तो बिल्कुल उसको सामने आना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए। बेसिक सी बात है, हम बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं
अच्छा काम करने में, इस कारण से ही जो बुरे काम करने वाले हैं वो आगे आ जाते हैं और भ्रमित करते हुए किसी न किसी रूप में देश का लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में और ये मेरे लिए गर्व का पल इसलिए हो सकता है क्योंकि इसी छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग ज़िले में मेरा जन्म हुआ है और कह सकते हैं कि मेरा जन्म स्थान छत्तीसगढ़ है। उसके बाद समय और परिस्थिति अनुसार मुझे अलग अलग राज्यों में रहने का अनुभव प्राप्त हुआ, लोगों की संस्कृति को जानने का अनुभव मिला और जिस कारण से ही यह रुचि मेरे में निरंतर बढ़ती गई और आखिरकार मैंने ये निर्णय ले लिया कि मुझे भारत की यात्रा करनी है। हमारी इच्छाएं तो अनंत होती है, ज़रूरतें भी अनंत होती है, लेकिन हर चीज़ हमारे अनुसार नहीं चलती। बहुत जगह पे ईश्वर की इच्छाएं चलती हैं क्योंकि चलाने वाला वही है, भगवान पूरी सृष्टि का रचयिता है, वही सब चीज़ों को चलाता है। इस कारण से ही हम निरंतर उनके कह सकते हैं के अनुसार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। इस कारण से ही कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों की इच्छाएं रहती है कि आप इस ओर से जाइए, किंतु हम दूसरी ओर से चले जाते हैं क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो होना है वो होता है और किसी में किसी का जोर नहीं चलता है, बस आनंद उठाइए। तो अभी हम छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हैं और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, जय जोहार जय किसान मोर छत्तीसगढ़। और कह सकते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और प्रमुख यहाँ का जो पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, वो चावल है और चावल से संबंधित जैसे रोटी होती है, चावल की रोटी होती है और बहुत सारे ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें चावल का बहुत आयत में प्रयोग किया जाता है। तो चावल की अपनी विशेषता लिए हुए यह राज्य छत्तीसगढ़, कह सकते हैं जितना महत्व उसे मिलना चाहिए था उतना महत्व नहीं मिल पाया है। लोगों की इच्छा शक्ति, कार्य शक्ति इस पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार से कार्य करते हैं जब जनता द्वारा आप चुने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, मेरे अनुसार जिस प्रकार से ख्याति फैलनी चाहिए थी वो नहीं फैल पाई है। तो हम सबको मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ भी किसी न किसी रूप में देश के अन्य राज्यों के समान अपना अस्तित्व एक ऐसा बना के रखे कि ना केवल पूरे देश के लोग छत्तीसगढ़ को जाने, बल्कि विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम हो, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति छत्तीसगढ़ को जाने। खड़े हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार ये विधानसभा है और उसके साथ साथ सत्यमेव जयते छत्तीसगढ़ विधानसभा लिखा हुआ है और जो जो गोल प्रतीक बना हुआ है सत्यमेव का, उसमें जो धान की जो पत्ते हैं वो लगे हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इस कारण से ही धान प्रमुखता से विधानसभा में दर्शाया गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर यह कह सकते हैं विधानसभा का परिसर है। बहुत ही अच्छा लगा आके और मेरे माध्यम से मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छी जानकारी देश की दे पाऊँ। तो आज हम पहुँच चुके हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा मतलब रायपुर में और जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये विधानसभा है छत्तीसगढ़ की, बिल्कुल ठीक उसके सामने हमारी साइकिल खड़ी है तिरंगा के साथ में, जो हमारा मान सम्मान और अभिमान है। और हम आपके पास साथ में साझा कर रहे हैं अपने अनुभव भारत यात्रा के, क्योंकि हम भारत यात्रा करते हैं तो प्रयास यही करते हैं कि भारत की सभी सांस्कृतिक धरोहर को किसी न और हमारे जो महत्व के स्थान है लगभग गांव शहर सभी जगह एक को एक जगह आपको किसी न किसी रूप में अवगत कराए, जो किसी न किसी रूप में हमें गौरवान्वित करती है। तो अभी हम है खड़े विधानसभा में और चूंकि हमारी भारत यात्रा निरंतर जारी है और ये मेहुल नाम का प्राणी आपको देश के किसी भी भूभाग में दिखाई दे जाएगा। और ऐसा नहीं है क्योंकि आपको जो ऊपर वाला तय करता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है, हर जगह आपकी मनमानी नहीं चलती, क्योंकि हमको आदेश दिया है भगवान ने आप निरंतर आगे बढ़ो तो हमारा बढ़ने का काम है। तो हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं भारत की यात्रा में और आपके साथ में साझा कर रहे हैं हमारे अनुभव को। तो अभी हम छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं, रायपुर में ही विधानसभा है, स्वाभाविक सी बात है जो राज्य की राजधानी होती है वहाँ पर विधानसभा होता है। उसके साथ साथ में ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें
ग्लोबल अवार्ड मिला हुआ है श्रेष्ठ साहसिक का। तो एक और महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है हमारे साथ जुड़ गई है, और इस उपलब्धि के साथ हम एक नए अंदाज में और ज्यादा ऊर्जा के साथ में आपके सामने हमारे देश के अनुभव साझा करते रहेंगे। और जहां पर परिवर्तन की आवश्यकता है, जहां पे हमें ऐसा लगता है कि उस नगर में, उस शहर में, उस राज्य में उचित तरीके से विकास नहीं हो पाया है, संस्कृतियों को जिस प्रकार से महत्व दिया जाना चाहिए, लोगों को महत्व देना चाहिए था, विकास को जिस रूप में महत्व दिया जाना चाहिए था उस रूप में महत्व नहीं दिया गया है, तो हम यह प्रयास करेंगे कि किस न किस रूप में ये बात संबंधित विभाग तक, लोगों तक पहुंचाएं, और यह प्रयास करें कि जो कमी रह गई है उसकी पूर्ति हो और वो राज्य, वो नगर, वो शहर एक अपने विकास के स्तर को प्राप्त करे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ विधानसभा के ठीक पहले ही एक नज़र हम महालेखाकार भवन की ओर भी दौड़ा ले, क्योंकि यह बहुत भव्य बिल्डिंग है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर है। इसको देखने पर भी छत्तीसगढ़ के कह सकते हैं मान सम्मान को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।